महाराष्ट्र में 29,500 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 1,576 नए मामले, अब तक 1,068 की मौत। अकेले मुंबई में अब तक 17,000 से ज्यादा केस, 24 घंटे के भीतर मुंबई में करीब 1,000 नए केस, मुंबई में 650 मौतें। दूसरे नंबर पर पहुंचा तमिलनाडु, अब तक 9,674 लोगों में संक्रमण, पिछले 24 घंटे में 447 लोग हुए बीमार, अब तक 66 लोगों की मौत। गुजरात में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, 9,932 का करीब पहुंची है मरीजों की तादाद, पिछले 24 घंटे में 340 लोगों में संक्रमण। दिल्ली में 425 नए मामलों के साथ तादाद पहुंची 9,000 के करीब, अब तक मौतों का आंकड़ा 123। राजस्थान में करीब 4,800 लोगों में कोरोना का संक्रमण, पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं 213 नए मामले, अब तक 125 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना से अब तक 2,650 लोगों की मौत, पिछले 24 घंटे में गई है 100 लोगों की जान। 82,000 के करीब पहुंची देश में कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में करीब 4,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। दिल्ली में लॉकडाउन 4 में मिल सकती है बड़ी छूट, केजरीवाल सरकार ने केंद्र के पास भेजा मेट्रो और बस सेवा बहाल करने का सुझाव। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी में 1,000 से ज्यादा नए केस, सूबे में अब तक 10 पुलिस वालों की कोरोना से मौत। एक हफ्ते की पाबंदी के बाद अहमदाबाद में आज से मिली छूट, खोली गई किराने समेत जरूरी दुकानों चीजों की दुकानें। पंजाब में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की छूट, दुकानदारों ने किया है इसका स्वागत। कैप्टन सरकार से मिली छूट का लुधियाना में दिखा असर, सुबह से खुली दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके खरीदारी के लिए उम्मीद भी। सील किया गया दिल्ली स्थित सेना भवन, एक जवान के पॉजिटिव पाए जाने से सेना मुख्यालय में हड़कंप। धार्मिक ट्रस्ट के सोने पर पृथ्वीराज चौहान के बयान से बवाल, बीजेपी ने किया जोरदार पलटवार, कांग्रेस को बताया आक्रमणकारी। मंदिर तो सब कर ही रहे हैं, जरा सोनिया जी से बोले कि बहुत सारी चर्च है दुनिया भर के अंदर, वो चर्च की हमेशा पैरवी करती है, एक आध चर्च का ताला भी खुलवाए। पृथ्वीराज चौहान के बयान पर विश्व हिंदू परिषद आग बबूला, कहा हिंदू धर्म स्थलों पर ही क्यों टिकाई है नजर। पृथ्वीराज चौहान ने केंद्र को दिया सुझाव, संकट के वक्त धार्मिक ट्रस्टों के सोने का इस्तेमाल किया जाए। विवाद बढ़ा तो पृथ्वीराज चौहान ने दी सफाई, कहा बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया है पेश। मोदी सरकार की ओर से आई राहत की तीसरी किस्त, कृषि से जुड़े छोटे उद्योगों को मिलेंगे 1,00,000 करोड़। लोकल प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए सरकार खर्च करेगी 10,000 करोड़, बिहार के मखाना और आंध्र प्रदेश की मिर्च दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश। हर्बल पौधों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का ऐलान, गंगा के किनारे कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा। वित्त मंत्री ने मछुआरों के लिए भी किया है बड़ा ऐलान, कहा नई नावें मिलेंगी, सभी पशुओं के टीकाकरण का भी प्लान है। मोदी सरकार ने किया था कुल 20,00,000 करोड़ के पैकेज का प्लान, इकोनॉमी में जान फूंकना है मकसद। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत पर एक्शन प्लान की दिखेगी झलक, आज तक के ई एजेंडा में आज दिग्गज मंत्री बताएंगे बारीकियां। अलग अलग सेशन में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी शिरकत। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बताएंगे क्या होगा आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप। जल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रेल मंत्री पीयूष गोयल के अलावा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी बताएंगे आत्मनिर्भर भारत के गुण। भारत को वेंटिलेटर डोनेट करेगा अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप ने किया ट्वीट। अमेरिकी राष्ट्रपति को साल के आखिर तक वैक्सीन आ जाने की उम्मीद है, जल्द वैक्सीन की कामयाबी के लिए खास ऑपरेशन शुरू। म्यांमार ने भारत को 22 आतंकवादी सौंपे, आसाम और मणिपुर के आतंकी संगठनों से है ताल्लुक। आगरा जेल में कोरोना की दहशत, एक कैदी की मौत, 10 और कैदी निकले पॉजिटिव। पटना में कार से कुचलकर बच्ची की मौत के बाद बवाल, लोगों ने किया पथराव, पुलिसकर्मी की राइफल भी छीनी। खरगोन में सैकड़ों महिलाओं ने डीएम दफ्तर के बाहर दिया धरना, एपीएल राशन कार्ड वालों को भी राशन देने की मांग की। आसनसोल में नहीं थम रहा है मजदूरों के पलायन का सिलसिला, हाईवे पर अब भी नजर आ रहे हैं मजदूर। नोएडा में 55 साल की महिला ने कोरोना को दी मात, घर पर फूलों से हुआ शानदार स्वागत। बैतूल में बिहार झारखंड और बंगाल से 130 मजदूर कई दिनों से फंसे, राज्य सरकारें नहीं ले रही हैं सुध। गया में लॉकडाउन में फंसी सीआरपीएफ की कांस्टेबल की शानदार पहल, कोरोना वॉरियर्स के लिए बनाना शुरू किया मास्क। राजगढ़ में पैसे निकालने के लिए बैंकों के बाहर सुबह 4 बजे से लग रही है भीड़, पुलिस ने बेरहमी दिखाकर भांजी लाठियां। दरभंगा में कोरोना काल में दिख रहा है अजीब सा नजारा, कई पेड़ों से निकल रहा है पानी, जानकारों ने कहा ये कोई चमत्कार नहीं।
ग्रेटर नोएडा में कोरोना से ठीक हुए सीआरपीएफ के 20 सिपाही, खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने मौजूद रहकर बढ़ाया हौसला। मां की मौत की खबर सुनकर साइकिल पर लुधियाना से निकला मजदूर, 14 दिन साइकिल चलाकर पहुंचा पटना। औरंगाबाद में कोरोना का खतरा और बढ़ा, एहतियात के तौर पर 3 दिन के लिए शहर पूरी तरह से रहेगा बंद। उत्तराखंड के चंपावत में खाई में गिरी दिल्ली से आ रहे प्रवासियों की कार, 3 की मौके पर गई जान। गुना में मजदूरों के ट्रक को दूसरी गाड़ी से टक्कर मारी, 2 मजदूरों की मौत हुई, कई घायल हुए। 8 दिन के सफर के बाद दिव्यांग पिता पुत्र दिल्ली से बिहार के कैमूर पहुंचे, लॉकडाउन में भुखमरी के हालात के बाद लौटने के लिए मजबूर हुए थे। तिरुपुर में बिहार के 75 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा, बंद कंटेनर में सवार होकर निकलने की कोशिश कर रहे थे। एक एक करके बंद कंटेनर से निकले मजदूरों को देखकर लोग हैरान रह गए, कंटेनर के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम के देवीलाल स्टेडियम में सैकड़ों मजदूर जमा हुए, आज बिहार जाएगी ट्रेन, दूसरे राज्यों के मजदूर भी पहुंचे तो पुलिस ने भांजी लाठियां। खरगोन में सिपाही ने होटल में की खुदकुशी, 1 महीने से परिवार से अलग रहकर कर रहा था ड्यूटी। रामपुर में 6 मदरसों के छात्रों की आसाम और मेघालय रवानगी, फंस जाने से कई दिन से हो रही थी परेशानी। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए डूंगरपुर में नदी में पुलिस कर रही है पहरेदारी, नदी के उस पार दूसरे जिले बांसवाड़ा में फैला है कोरोना। कश्मीर से चलकर आया ट्रक ड्राइवर निकला कोरोना पॉजिटिव, अम्बाला में किया गया क्वारंटीन। भरतपुर में देखिए प्रवासी मजदूरों की तकलीफ का एक और दर्दनाक तस्वीर, विकलांग महिला छड़ी के सहारे सैकड़ों किलोमीटर का सफर करने के लिए मजबूर। भरतपुर में ही विकलांग बेटे को पीठ पर लादकर गांव को चला एक मजदूर, कहीं से नहीं मिली कोई मदद। लखनऊ से साइकिल पर चल पड़ा एक मजदूर का परिवार, सैकड़ों किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ जाने में है कई मुश्किलें, लेकिन कोई चारा नहीं। दिल्ली से अब भी पैदल जा रहे हैं मजदूर, गाजीपुर बॉर्डर पर मजदूरों के लिए नहीं दिखा कोई इंतजाम। मुंबई से बिहार आ रहे मजदूरों से ट्रक वाले ले रहे हैं हजारों रुपए की रकम, भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर बिहार लाए। कोरोना के बाद अब पटरी पर लौट रही है फैक्ट्रियों में काम करने वालों की जिंदगी, बुलंदशहर में बनने लगे हैं पॉटरी उत्पाद। छतरपुर में पुणे से लौट रहे मजदूर ने फांसी लगाई, कुछ घंटे पहले मां से कहा था घर आ रहा हूं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिवाजी नगर में भीड़ का वीडियो किया ट्वीट, बोले कहां है महाराष्ट्र की पुलिस। संगरूर के निजी स्कूल के सरकार के सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश से खफा, स्टाफ की सैलरी देने में आ रही है दिक्कत। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद की कोरोना पर अजीब सी दलील, बोले जमातियों को बदनाम करने के लिए ट्रंप ने भारत में फैलाया है कोरोना। गुजरात में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में मजदूरों को बिठाने का में खामियां, उड़ीसा और आसाम जाने वाले मजदूरों को बांदा की ट्रेन में बिठा दिया गया। हरदोई के कोरोना हॉटस्पॉट गांव में चले लाठी पत्थर, 2 गुटों में जमकर मारपीट, 4 हिरासत में। आगरा में ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, 1 बस में 50 मजदूरों को बैठाकर किया गया रवाना। जौनपुर में मिट्टी से लदा हुआ ट्रक बेकाबू होकर पलटा, मुंबई और गुजरात से आ रहे 7 मजदूर घायल हुए। दिल्ली के द्वारिका में नाले में मिली लाश, 3 दिन पहले गिरा था युवक। विकास नगर में प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने कराया पति का कत्ल, 12 घंटे में खुला राज, महिला समेत 3 ही आरोपी गिरफ्तार। बोकारो की फैक्ट्री में हादसा, ट्रांसफार्मर के पैनल में करंट आने से 2 मजदूर झुलसे। सूरत में गांव जाने की जिद पर अड़ी पत्नी का किया गया कत्ल, लॉकडाउन के चलते परेशान था बिहार का मजदूर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिदों में दी अजान की इजाजत, गाजीपुर के डीएम के आदेश को किया रद्द। औरंगाबाद में ट्रक से 90 लाख का गुटखा बरामद, आवश्यक सेवा का स्टिकर लगाकर ट्रक में लाया जा रहा था गुटखा। विशाखापट्टनम में गैस रिसाव हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, गैस के असर से लोग सड़कों पर गिरते हुए नजर आए। बनासकांठा में हाईवे पर चलता ट्रक पलटा, 2 लोग बुरी तरह से घायल, हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। सुल्तानपुर में जमीन के झगड़े में चली गोलियां, दर्जन भर लोग घायल हुए, 3 की हालत नाजुक। टनकपुर में कार हादसे में 3 की मौत हुई, खाई में जागरी तेज रफ्तार कार, फरीदाबाद से पिथौरागढ़ जा रहा था परिवार। कोरोना में कारोबार की नई संभावना तलाश रहे हैं जुला, कोल्हापुर में चांदी के मास्क बाजार में उतारे गए। लॉकडाउन के चलते मंदिरों की कमाई पर पड़ा है असर, काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले दान में 90% की कमी। बद्रीनाथ धाम में कोरोना से जान गंवाने वाले को श्रद्धांजलि, कश्मीर में शहीद जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई और पिंडदान भी। गुजरात से जौनपुर आ रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में गूंजी किलकारी, महिला ने दिया बच्ची को जन्म। हाजीपुर में मुखिया के पति का किया गया कत्ल, बाइक सवार बदमाशों ने बरसाई गोलियां। दिल्ली के कल्याणपुरी थाने के 4 पुलिस वालों को भी कोरोना निकला, एमसीडी ने थाने को किया सैनिटाइज।
रूस के शिक्षा मंत्री में कोरोना की पुष्टि, अब तक करीब 2.5 लाख लोगों में संक्रमण, अमेरिका के बाद दूसरा नंबर। महामारी के बीच स्पेन में प्रधानमंत्री का खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का है आरोप। कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट के बाद जापान के ज्यादातर शहरों से हटाए गए इमरजेंसी, 47 में से 39 जिलों में राहत का काम जारी। लेबनान में 4 दिनों के लिए फिर से लागू किया गया लॉकडाउन, कोरोना की रफ्तार बढ़ने की वजह से सरकार का फैसला। ब्राजील में अमेजॉन के जंगलों तक वायरस की एंट्री हुई, आदिवासियों के गुट के मुखिया की मौत हुई। ब्राजील में कोरोना संकट से लड़ रहे सैनिकों ने बुजुर्गों को किया मनोरंजन, रियो शहर में 1 टन राशन और मास्क भी बांटे। सिंगापुर में पार्कों में लगाया गया जानवर नुमा रोबोट, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का कराएगा पालन। सिंगापुर में सेना ने लॉन्च किया मोबाइल टेस्टिंग बूथ, 3 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों के कोरोना जांच की योजना। बांग्लादेश के रोहिंग्या कैंपों में कोरोना की दस्तक, कॉक्स बाजार के 2 शरणार्थियों में पहुंचा संक्रमण। फिलीपींस में कोरोना संकट के बीच भीषण तूफान, आपदा से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए गए थे 10,000 लोग। अप्रैल में चीन का फैक्ट्री आउटपुट 2020 में पहली बार बढ़ा, 3.9% की बढ़ोतरी के बावजूद कम खपत की बरकरार। 2026 में दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनेंगे अमेजॉन के जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी 2033 में बनेंगे 1 लाख करोड़ के मालिक। कोरोना काल में वैश्विक अर्थव्यवस्था 5.8 से 8.8 ट्रिलियन के नुकसान का अनुमान, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जताई है आशंका। कार्यकाल खत्म होने से 1 साल पहले पद छोड़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया, 31 अगस्त को WTO से बाहर हो जाएंगे ब्राजील के राजनयिक रॉबर्टो। दुनिया भर में 3 लाख के पार पहुंचे कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या, 45 लाख लोगों में संक्रमण।